जांजगीर जिले में इन दिनों हाईटेक सट्टा खेलने वालों का काम अपने चरम सीमा पर है और यहाँ की पुलिस है कि इस तरह के अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम नजर आ रही है। वहीं पड़ोसी जिले बलौदा बाजार के पुलिस अधिकारी सट्टा के मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई कर दी है, जिसमें बलौदा बाजार की पुलिस ने ऑनलाइन जुआ एवं क्रिकेट सट्टा पर बड़ी कार्रवाई कर 7 आरोपियों को शिवरी नारायण से गिरफ्तार कर लिया है। पर जांजगीर जिले में पुलिस अधिकारी अपने ही जिले के अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। शुक्रवार को भाटापारा शहर थाने में नवीन पदस्थ एएसपी पीताम्बर पटेल ने क्रिकेट सट्टा व ऑनलाइन जुआ मामले में खुलासा करते हुए बताया कि 7 अगस्त को क्रिकेट सट्टे मामले में वार्ड के रवि ध्रुव के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उससे पूछताछ कर मोबाइल नंबर के आधार पर संभावित ठिकानों में दबिश दी गई और शिवरी नारायण देवरी मोड़ के पास आरोपियों के द्वारा क्रिकेट मैच सेटअप टीवी 17 मोबाइल लैपटॉप बैंक खाता एटीएम वाईफाई 3,200 नगद जब्त किया गया एवं लैपटॉप की जांच करने पर 15 लाख का सेटअप तथा करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन पाया गया, जिस पर से शिवरी नारायण निवासी आरोपी चिरंजीवी केसरवानी, राजा साहू, भूपेंद्र चंद्रशेखर, आदित्य, पोषण साहू बंजारे तथा विनोद यादव के खिलाफ जुए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बलौदा बाजार द्वारा श्री आई के एल एस एल कल्याण सर द्वारा जो है सभी जिले के थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि अवैध शराब जुआ सट्टा के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करें, जिसके बाद भाटापारा शहरी थाना प्रभारी द्वारा सट्टे के कार्रवाई की गई थी, जिसमें अपराध क्रमांक 311/21 इसमें किया गया था। भाटापारा शहर से ही रवि ध्रुव को गिरफ्तार किया गया था, जिससे प्राप्त सूचना के बाद आगे विभिन्न जगहों पर टीम लगाई गई थी। इसके पश्चात इसमें निशानदेही पर कमलेश्वर निर्मलकर को रायपुर से गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर आज शिवरी नारायण से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें लगातार अभी पुलिस विवेचना कर रही है। इनके तार राज्य से बाहर भी जुड़े हुए हैं और कुछ उससे भी बाहर, देश से भी बाहर कुछ इनके नेटवर्क होने की ऐसी आशंका है, तो पुलिस इसमें लगातार अभी विवेचना कर रही है। सर, कितने का सामान पकड़ा है, कितने की सट्टा पड़ती रही? ये ऑनलाइन सट्टा चलाते थे, जिसमें क्रिकेट, ऑनलाइन कैसीनो, तीन पत्ती और अनेक स्पोर्ट्स थे और ये मुख्यतः आईडी के द्वारा करते थे, जिसमें से मोबाइल में ही फ़ोनपे, मोबीक्विक आदि ऐप से ये ऑनलाइन पेमेंट करते थे। अभी तक जो हमारी जांच में आए हैं इनका जो ट्रांजेक्शन है कुल वो करोड़ों में अभी इनकी संख्या है। अभी जांच चूँकि जारी है, आगे भी इनके लिंक जो है उन पर लगातार जो है जांच की जा रही है, तो इनका एग्जैक्ट फिगर हम लोग आगे विवेचना कंप्लीट होने के बाद बता पाएंगे, लेकिन इनका कुल ट्रांजेक्शन करोड़ों में है। यह कैसे क्या और जब्त हुआ है इनसे? जो है मोबाइल फ़ोन जब्त हुआ है, लैपटॉप जब्त हुआ है, टीवी जब्त हुआ है, रोटर वाईफाई जब्त हुआ है और नकदी रकम भी इनसे आज जब्त किया गया है।